दोबारा कमान संभालने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 में जुट गए हैं और उन्होंने शुरुआत यूपी से कर दी। यूपी फतेह के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचल से मिशन 24 का शंखनाद कर दिया है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद भाजपा की पूरी फौज गाजीपुर पहुंची। एच मतलब हाईवे, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवे और ए मतलब एयरवेज। भाजपा ब्रिगेड की इस ललकार से साफ है कि 2024 की लड़ाई विकास बनाम माफिया के दम पर होने वाली है। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था। दरअसल पूर्वांचल के गाजीपुर में 24 का शंखनाद करने के पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि पिछली बार 2019 में भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा को बसपा के अफजाल ने शिकस्त दी थी। इसके अलावा 2022 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को पूर्वांचल में रणनीति के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। कहीं न कहीं गाजीपुर में अंसारी फैक्टर हावी है और ओम प्रकाश राजभर भी प्रभावशाली भूमिका में है। इसके अलावा यूपी में हारी हुई सीटों पर भाजपा का खास फोकस है। 2014 में 8 और 2019 में भाजपा को 16 सीटों पर हार मिली थी। यही वजह है कि गाजीपुर में कमजोरी को ताकत बनाकर भाजपा ने 2024 के लिए यूपी में मिशन 80 की शुरुआत की है। एक तरफ जहां भाजपा ने गाजीपुर से 2024 का बिगुल फूंक दिया है, वहीं विपक्ष पर भाजपा हमलावर नेता हमलावर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गाजीपुर में 2024 का शंखनाद कर भाजपा ने अपनी रणनीति साफ कर दी है और विकास बनाम माफिया राज के दम पर सीधे सीधे पिछली सरकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गिरेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था पैसा। भाजपा के दिग्गजों की इस गर्जना से विपक्षी खेमे का पारा हाई है और गाजीपुर में भाजपा की जनसभा पर सवाल खड़े किए हैं। समाज पार्टी का अपना एक बेस, मजबूत बेस है, अगर उसके साथ हम लगेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका रथ अगर रोकेगा तो समाजवादी पार्टी रोकेगी, और कहां से रुकेगा, वो उत्तर प्रदेश से रुकेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बौखलाहट है। और विपक्ष बेशक भाजपा को सत्ता से हटाने का दावा कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि भाजपा ने केंद्र में हैट्रिक मारने के लिए बिसात बिछा दी है और शुरुआत देश के सबसे बड़े सूबे से की है। अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी इन 14 सीटों पर क्रमवार लोकसभा प्रवास करेगी और जीतने का हर संभव प्रयास करेगी। 2024 को लेकर भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे तो रंग अलग ही दिखा। सुबह सबसे पहले जेपी नड्डा बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने काशी की कोतवाल काल भैरव की आरती उतारी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जेपी नड्डा और सीएम योगी ने विधिवत पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद मांगा। पूजा अर्चना के बाद जब दोनों नेता मंदिर परिसर से बाहर निकले तो बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता बाहर खड़े थे। पूजा के बाद जब दोनों नेता बाहर आ रहे थे तब मंदिर के पास एक चाय की दुकान दिखी, जहां दोनों खड़े हो गए और फिर कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय की चुस्की ली। सर्दी की सुबह में दोनों नेताओं ने चाय की दुकान के बाहर खड़े होकर चाय का आनंद लिया और इस दौरान वो आपस में बात करते दिखाई दिए। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। बनारस के पान की तरह यहाँ चाय भी बहुत मशहूर है। इस दौरान उनके आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वाराणसी के बाद जेपी नड्डा सीधे गाजीपुर पहुंचे। 2024 के चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा का यूपी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।